डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है NIBM रांची के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा का सीरियस तैयारी कर रहे होंगे। आप चाहते होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो सिलेक्शन सिर्फ प्रश्नों को सेकेंड्स बनाने के लिए होंगे। और सेकेंड्स में कैसे बना सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर कमांड करके, और 10 से 15 सेकेंड मैक्सिमम टाइम लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आप हर एक वीडियो को निश्चित रूप से अच्छी तरह से देखने के लिए आपके पास आ जाए, तो इसके लिए आप NIBM रांची के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रिकमेंड करें, कमेंट करें, और जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा भी हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सकते हैं। NIBM एक बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 20-25 सालों से पुरानी संस्था है। इससे हजारों विद्यार्थी पढ़कर फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं और देश के कोना कोना में, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी वो जो अपना सेवा दे रहे हैं, बैंकिंग में हो, स्टाफ सिलेक्शन के तहत हो, रेलवे के हो, UPSC JPSC सभी के तहत हो। तो विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ वेबसाइट आप देख रहे होंगे, साइट पर है www.nibmpomaker.com पर संपर्क कीजिए। बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, फाइनल सिलेक्टेशन के हजारों विद्यार्थी का आपको लिस्ट मिल जाएंगे। अब देखिए, आपको अगर क्लासेस करने हैं, सारे वीडियो डाउन में सारे वीडियो देखने हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखने हैं बल्कि PDF क्वेश्चन चाहिए, उसके सॉल्यूशन चाहिए, और इंटरेक्टिव क्लास करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख रहे होंगे, नोट भी कर सकते हैं, 9334726278। इस पर डायरेक्ट बात करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हेडिंग नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इससे निश्चित रूप से आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि IBPS PO 21-22 का वैकेंसी आ चुका है, इसके पहले RRB की वैकेंसी आ चुके हैं, टेंटेटिव एग्जामिनेशन का भी डेट दे चुके हैं। तो आप निश्चित रूप से बेहतर तैयारी कीजिए कि आपका सफलता प्राप्त हो। बेस्ट ऑफ लक। आइए हम आज इस चैप्टर की विभिन्न पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आप क्वेश्चन को सेकंड्स में कैसे बनाएं। तो हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, ये आपके साथ यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसकी जानकारी करते हैं। हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता या संभावना, ये सब बोला जाता है। इसे कोई मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ मतलब है भाई, स्टूडेंट मेरे प्यारे छात्रों, हमको तो सिर्फ मतलब है कि प्रश्नों को कैसे सेकेंड में बनाया जाए, प्रोबेबिलिटी के कैसे आप प्रोबेबिलिटी मैट्रिक में, इंटर में आपने पढ़ा है आज तक या नहीं पढ़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ है कि सही क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, SSC में 2-3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सभी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सिंपली नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, तो कुछ कि एक्सपेक्टेशन होता है क्वेश्चन का, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट और कितने डिफरेंट टाइप से टोटल हो सकता है, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसी पैटर्न पर टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं, कोई भी कंसेप्ट नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग इसमें एक के बाद एक वीडियो देंगे और कंसेप्ट देंगे, उसमें क्या क्या समझना है हमको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन। क्वाइंस इसीलिए चर्चा करते हैं कि अनेक बार क्वेश्चन में पूछा गया है और आप इसका आंसर फटाफट दे सकते हो। लेकिन क्वाइंस की बात करते हैं, तो क्वाइंस क्या होते हैं, क्वाइंस सिर्फ एक ही क्वाइंस को टॉस नहीं करना होता है, बल्कि दो क्वाइंस को एक साथ टॉस करने होते हैं, 3 क्वाइंस को एक साथ टॉस करना होता है, 4 क्वाइंस को भी एक साथ टॉस कर सकते हैं, 6 क्वाइंस को भी एक साथ टॉस करेंगे। तो पूछा जाता है 6 क्वाइंस को अगर टॉस करते हैं तो इसके अपर सरफेस पे, इसके अपर सरफेस पे कहाँ पर स्टूडेंट, अपर सरफेस पे 6 क्वाइंस को अगर एक साथ टॉस किया जाता है तो 4 पर हेड एंड 2 पर टेल होने की क्या संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को देखने के साथ जो स्टूडेंट आज तक नहीं पढ़ रहे हैं, लगता होगा इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन एक क्वाइंस को पूछा जाता है, अगर एक क्वाइंस को पूछा जाता है टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, तो इसका आंसर सब देते हैं कि 1/2। आप लोग भी आंसर दे दिए होंगे मेरे लिखने से पहले। 1/2 कैसे दिए, क्योंकि दो ही टोटल इवेंट्स होते हैं। टोटल नंबर इवेंट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, हेड एंड टेल, और इसमें हेड चाहिए तो हेड एक ही होता है, इसीलिए 1/2 परसेंटेज में पूछा जाता है। तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये 50% हो जाता है। ये जिस प्रकार आप इस एक क्वाइंस के क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, उसी प्रकार आपको 6 क्वाइंस को एक साथ टॉस किया जाए तो 4 पर हेड एंड 2 पर टेल आए, इसकी क्या संभावना
संभावना है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप्स और क्या क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो हम देखिए, हम ऑल टाइप्स का यहाँ पर आपके साथ चर्चा करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स हम बताते हैं, पहले टाइप्स आपको लिखवा देता हूँ, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन अभी चर्चा कर रहे थे, क्वाइंस के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम हेल्प लेते हैं नंबर का। आपके पास मोबाइल नंबर होंगे तो मोबाइल नंबर में 0 to 9 ही नंबर होते हैं, लेकिन इससे लाखों लाखों डिफरेंट नंबर बनाए गए हैं। तो कुछ नंबर दे दिया जाएगा 4, 5, 8, 2, 3, इससे कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं। इसमें कंडीशन दे देगा आपको कि इसमें ऐसे नंबर से कितने नंबर बनाए जाए जिसमें इवन नंबर हमेशा साथ हो, ऑड नंबर हमेशा साथ हो, इवन नंबर कभी भी साथ ना हो, प्राइम नंबर साथ हो, ऐसा अनेक सिचुएशन कंडीशन रहेंगे। फिर तीसरा, जैसे नंबर का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वाइंस के क्वेश्चन के सभी बना लेंगे। जैसे नंबर का कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो हम देख लेंगे डाइस की, देख लेंगे जैसे लूडो की, लूडो आप सब खेले होंगे, लूडो को थ्रो करते हैं तो अपर सरफेस पर एक डाइस है तो 6 आने की क्या संभावना है, तो 2 डाइस होंगे तो उनका सम, दोनों के अपर सरफेस का सम 5 होने की क्या संभावना, डिफरेंस 2 होने की क्या संभावना है, 3 डाइसेस हों तो तीनों डाइस का सम 8 होने की क्या संभावना है। बात तो आप समझ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखलाई देते होंगे। चौथा बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड्स की बात करते हैं। तो वर्ड्स में देखते होंगे कि जैसे वर्ड होते हैं, रिस्पॉन्स एक वर्ड दे दिया जाता है, टेलीफोन दे दिए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड दे दिया जाता है, तो रिस्पॉन्स शब्द है उससे कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें इवन नंबर हमेशा, इसमें ऑबनेस, इसमें कहता है क्या वोवल हमेशा साथ हो और कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो, वोवल कभी साथ नहीं हो, इस प्रकार के अनेक कंडीशन बनाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया, आप देखते होंगे। और पांचवा पैटर्न पर हम देखते हैं, पांचवा वो ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स का क्वेश्चन अनेक बार हर एक एग्जाम में, बैंक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पांचवा बात कर लेते हैं, जैसे इन सब क्वेश्चन बनाने के साथ हम लोग देखते हैं तो हम देख लेंगे। इसके बाद कलर बॉल का, कलर बॉल के रूप में भी कर सकता है, कलर डाइस भी कहता है, कलर डाइस भी कर सकता है, कलर मार्बल भी कहता है, या डिफरेंट टाइप से बुक्स वगैरह भी रहते हैं, ऐसे ऐसे अनेक बातें होती हैं, या कलर पेन होता है, कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है। फिर छठा देखते हैं कलर बॉल, जैसे कलर बॉल का एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन देखा होगा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व को देखते हैं तो आप देखते होंगे कहा जाता है एक कार्टून में कलर बॉल रखे गए हैं जिसमें 3 रेड हैं, 4 ग्रीन है, 5 येलो है, इसमें से रैंडमली 3 बॉल को निकाला जाता है, तो कम से कम 1 रेड होने की क्या संभावना, या 2 रेड 1 ग्रीन होने की क्या संभावना है, तीनों डिफरेंट कलर होने की क्या संभावना है, ये सारी बातें होंगी। फिर आगे देखते हैं, जैसे कलर बॉल की बात कर लेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं हम लोग। प्लेइंग कार्ड्स में देखते हो कि मैजिशियन वगैरह क्या होता है, मैजिशियन होते हैं, एक कार्ड निकाल लेता है तो कहा जाता है इसका किंग होने की क्या संभावना है, 3 कार्ड निकाले जाते हैं तो एक किंग ऑफ हॉर्ट होने चाहिए, एक एस होने चाहिए, एक क्वीन होने चाहिए, इसकी क्या संभावना है, इन सारी बातों डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं जैसा आपने पांचवा बताया है, तो पांचवा आपने देखा कि ये भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में और ऑलवेज पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कलर बॉल से संबंधित प्लेइंग कार्ड भी पूछे गए हैं अनेकों बार, बैंकिंग वगैरह में, एस एस सी में भी डाइस पूछे गए हैं, नंबर पूछे जाते हैं, क्वाइंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन एस एस सी में पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद की बात करते हैं, जैसे 7th नंबर की बात अगर कर लेते हैं, 7th नंबर की बात करते हैं, 7th में क्या होता है, 7th में हम लोग देख लेंगे टीम सिलेक्शन की बात कर लेंगे, जैसे क्रिकेट का 2020 होने वाले हैं, IPL वर्ल्ड कप होने वाले हैं लॉकडाउन के दौरान भी, तो टीम सिलेक्शन की बात करते हैं। तो टीम सिलेक्शन में कहा जाता है झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल के 3, 4, 5 प्लेयर हैं, उसमें 3 प्लेयर को सिलेक्ट करने हैं जिसमें कि कम से कम एक झारखंड का, 2 एक बिहार का और एक वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, तो ये कितने प्रकार से हो सकते हैं। फिर 8वां बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ देखते हैं सेकंड, जैसे आपने देखा होगा कि 40 मूवी आए थे उसमें कहा गया था 40 विद्यार्थी है तो बताओ 40 आपस में एक एक बार सेकंड करते हैं तो कितने टोटल सेकंड्स होंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, या अगर नंबर ऑफ सेकंड 90 हो गया है तो बताओ कितने फ्रेंड्स आपस में सेकंड्स किए हैं। फिर बात करते हैं क्या नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन किसी ओकेजन पर कहता है कि फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कार्ड भेज रहे हैं तो कितने ग्रीटिंग्स कार्ड पोस्टमैन लेकर आएगा, इस प्रकार हम लोग बात करते हैं। मिसलेनियस अनेक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमने रेड पेन से
टिक लगाया है वो सिंपली वो देख रहे होंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन में आज तक पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली ये सब पूछे वाले क्वेश्चन हैं, और भी अनेक प्रकार की बातें करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट देखिए क्वाइंस, हम चर्चा आज आपसे आपके साथ कर रहे हैं, क्वाइंस की बात कर रहे हैं, क्वाइंस क्वाइंस का बेसिक जैसे अभी देखिए सारे क्वेश्चन हमने बोला कि बनाएंगे हम लोग, तो सारे क्वेश्चन पहले हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग को बताया था कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी के टोटल क्वेश्चन बनाने हों तो ये एक्सपेक्ट ई एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। या ई एन ई स्टैंड क्या कर रहा है, जैसे बार बार हम बोल भी रहे हैं, मेरे ऑडियो सुन भी रहे होंगे, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्या हो गया, इवेंट्स हो गया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्या हो गया, इवेंट्स हो गया। और ये टी एन ई क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, इवेंट्स हो गया। ठीक है, जो कोई हम घटना चाहते हैं उसमें टोटल कितने होते हैं वो देखेंगे, और जो चाह रहे हैं वो क्या होते हैं उसी को वो आउट डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर इवेंट निकल जाएंगे। जैसे अगर क्वाइंस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर देख रहे हैं क्वाइंस की बात कर रहे हैं, तो क्वाइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन बनता है, वन क्वाइंस को अगर टॉस करते हैं ठीक है, तो इसके ऑलवेज अपर सर्फेस पर पूछा जाता है, ऑलवेज कहाँ पूछा जाता है, अपर सर्फेस पर। ठीक है, अपर सर्फेस पर यहाँ पूछा जाता है हेड आने की क्या संभावना है। तो एक क्वाइंस है, तो एक क्वाइंस में टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पहले देख लेंगे, ये तो या दिमागी में हेड एंड टेल दो ही होते हैं, तो ये दो हो गए, नंबर में कितने हो गए, टू, नंबर में टू हो गए, जिसमें कि अगर हेड चाहते हैं तो हेड तो एक ही होगा, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक हेड होने की क्या संभावना है, हेड होने की क्या संभावना है, तो वन हेड हो सकता है टोटल टू में। टेल भी पूछा जाता क्या होने की संभावना है, तो वन बाई टू करते, परसेंटेज में होता तो सिंपली सबको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, आंसर निकल जाते हैं 50%। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर टू क्वाइंस की बात करते हैं, देखो स्टूडेंट जैसे अगर हम टू क्वाइंस की बात करते हैं तो टू क्वाइंस में भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे ये देखना है। तो टू क्वाइंस में तो पहला पूछा जाएगा, टू क्वाइंस को टॉस करते हैं तो दोनों पर हेड होने की क्या संभावना है, दूसरा पूछा जा सकता है दोनों पर टेल होने की क्या संभावना है, तीसरा पूछा जा सकता है एक पर हेड एंड एक पर टेल होने की क्या संभावना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर टू क्वाइंस को टॉस करेंगे तो एक क्वाइंस में दो टोटल नंबर इवेंट्स होते हैं, दूसरे में भी इतने ही होंगे, अगर इनको टॉस करके देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी करके आपको बताते हैं, तो इस पर हेड हेड है तो एक बार हो सकता है दोनों पर हेड हो, एक बार हो सकता है एक पर हेड हो एक पर टेल हो, फिर तीसरी बार हो सकता है एक पर टेल है तो दूसरे पर क्या हो, हेड है, फिर इस पर क्या है, टेल है, तो इस पर क्या है आपका, टेल है, तो एक तो यहाँ देख रहे हैं तो इस पर टेल है, तो इस पर भी क्या हो सकता है, टेल हो सकता है, यही चार घटनाएँ घट सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताना जाएंगे कि ये सब हम बार बार करेंगे नहीं। तो ये टोटल इवेंट्स कितने हो गए, फोर सब में, और लेकिन हेड हेड चाहिए तो हेड एंड हेड कितने हैं, एक ही है, हेड और हेड चाहिए तो हेड और हेड कितना, एक हो रहा है, तो वन आउट ऑफ फोर, तो वन बाई फोर इसका प्रायोरिटी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो वन बाई क्या हो जाएंगे, यहाँ भी दोनों पर टेल एक ही बार हो सकता है, और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हेड एंड टेल तो एक और एक दो घटना है, टेल इस पर रहे या टेल उस पर रहे, हेड या टेल किसी पर रहे, वो इन दोनों में से कोई आ जाएगा तो काम चल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं तो इसकी घटना कितनी हो गई, टू, तो टू आउट ऑफ फोर, तो ये क्या हो गया, वन बाई टू, इससे परसेंटेज निकालना हो तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 25% हो जाएंगे, ये क्या होगा 25% हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे आपके 50% हो जाएंगे। ये वन और टू था तो आसानी से बन गया, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो क्या प्रॉब्लम होता है, जरा ध्यान दो, अगर थ्री कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, तो थ्री क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं, या थ्री के जगह कह देते हैं कि अगर हम फोर क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं, फोर के जगह कह देते हैं फाइव क्वाइंस को, सिक्स क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं, ये सिक्स क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं, सिक्स क्वाइंस को अगर एक साथ टॉस करते हैं तो उसे सिक्स क्वाइंस को अगर हम टॉस करते हैं तो कहा जाता है कि चार पर हेड आने चाहिए एंड दो पर टेल होने चाहिए, इसकी क्या संभावना है। डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए पहले हम टोटल नंबर इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। तो जैसे टोटल नंबर इवेंट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे तो एक आपको टेबुलर फॉर्म में आप बताते हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्वाइंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस अगर वन है
तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे इस पर चर्चा करना है हमको। अगर दो क्वाइंस है तो टोटल कितने होंगे, थ्री क्वाइंस है तो टोटल नंबर इवेंट, फोर क्वाइंस है तो टोटल नंबर इवेंट्स कितने होंगे, फाइव हैं तो कितने होंगे, सिक्स हैं तो कितने होंगे, सेवन क्वाइंस है तो टोटल नंबर इवेंट्स कितने होंगे। तो बड़ा आसानी से आपके दिमाग में आपको हम सेट कर रहे हैं कि आप देखिए कि अगर मान लो कि एक क्वाइंस है तो टोटल नंबर में टू या तो याद ही है, दो क्वाइंस है तो हमने फोर बताया कि टोटल कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। ये एक के लिए टू हो गया, दो के लिए टोटल नंबर इवेंट्स क्या हो गया फोर, थ्री के लिए क्या होगा फोर के लिए क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट बोलना शुरू करते हैं कि ये होगा, कुछ गलत बोलते हैं कुछ सही बोलते हैं, लेकिन आपको हम ये बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं जितने भी क्वाइंस हैं सबका बेस टू 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 रख दीजिए। लेकिन नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वाइंस आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वाइंस वन है, एक क्वाइंस है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, टू टू द पावर वन टू हो जाएंगे, दो क्वाइंस है तो बेस टू ही है लेकिन पावर कितने हो जाएंगे दो, तीन क्वाइंस है तो पावर कितने हो जाएंगे थ्री, फोर क्वाइंस है तो पावर कितने हो जाएंगे फोर, फाइव क्वाइंस है तो पावर कितने हो जाएंगे फाइव, सिक्स क्वाइंस है तो पावर कितने हो जाएंगे ये, सेवन क्वाइंस है तो पावर कितने हो जाएंगे ये। ये सब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर एक क्वाइंस है तो टू टू द पावर वन टू हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, बात तो समझ गए। एक क्वाइंस है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए टू, टू टू दो क्वाइंस है टू टू द पावर टू, थ्री क्वाइंस है टू टू द पावर थ्री कितने हो गए एट, फोर क्वाइंस है टू टू द पावर फोर सिक्सटीन हो गए, अगर फाइव क्वाइंस है तो थर्टी टू हो गए, सिक्स क्वाइंस है तो क्या हो गया सिक्सटी फोर हो गया, अगर सेवन क्वाइंस है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए टू टू द पावर सेवन यानी 122। फटाफट इससे निकल गया। कभी कभी डियर स्टूडेंट आप देखते होंगे कभी कभी एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशन में, एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे कि फटाफट आपको ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर आपका एट क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल नंबर टोटल कितने डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं, ये घटना कितने घट सकती है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये टोटल कितने डिफरेंट टाइप्स के यूनिक आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में सिंपली ये पूछ दीजिए टू टू दी पावर क्या ऐड कर दीजिए, टू टू दी पावर एट कितने हो गया 256 हो गए, बस आंसर फटाक से आप दे दीजिए। इसमें कोई देख रहे हैं 5 सेकंड भी लगने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आप बताओ देखो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे जैसे हम पूछ दिए, अगर मान लो कि फाइव क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं टोटल डिफरेंट कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो फटाक से आंसर टू फाइव हो गया, आंसर क्या हो गया 32 फटाफट। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर अगर मान लो कि एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन क्रिएट सिंपली ये हो रहा है, एग्जाम क्वेश्चन क्रिएट हम ये कर रहे हैं कि अगर मान लो कि फाइव क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं तो हेड तीन पर हेड होने चाहिए, हेड कितने पर तीन पर होना चाहिए, टेल कितने होने चाहिए दो पर होने चाहिए। ठीक है, ये बात हम देखते हैं। तो इन बातों को समझाने के लिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो आप निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट यही बता दिए कि टोटल नंबर कितने होंगे, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। तो टी एन ई तो आपको पता चल गया, टी एन ई कितने होंगे टू टू द पावर फाइव यानी कितने हो जाएंगे, टू टू द फाइव यानी कितने हो जाएंगे 32 टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकल गए आपके। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट निकालना है तो उसके लिए आपको देखिए एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, और इसके टेक्निक बता रहे हैं फटाफट बन जाएंगे। आप देखिए टेक्निक बताने उसमें क्या देखते हैं, तो अब हम नंबर को हेड एंड टेल के साथ रिलेट कर लेते हैं। मान लो हेड के लिए हम नंबर मान लिए 1, क्यों नंबर देखते हैं कि नंबर से डेली यूज 2 है और हेड टेल से डेली यूज 2 नहीं है, और टेल को मान लिए 2। अब हमको बताओ कि दो बार हेड होने चाहिए, ठीक है दो बार हेड होने चाहिए यानी कि 1 1 दो बार, अगर मान लो नंबर की बात करते हैं 1 1 से कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं ये बताओ, 1 1 से कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 1 1 से तो सिर्फ 11 बनेगा, 1 को इधर रखो या उधर रखो क्या फर्क पड़ता है, 1 को इधर रखिए या इस 1 को इधर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 11 11 ही कहलाएंगे, तो एक ही नंबर बनेंगे। ठीक है, तो कितने नंबर बनेंगे ओनली 1। लेकिन आप देख रहे हैं अगर हम कहते हैं 1 एंड 2 से कितने नंबर नए नंबर बनेंगे, तो 1 और 2 से कितने नए नंबर बनेंगे, तो आप कह सकते हो सर 1 और 2 से 12 बन जाएंगे, और 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 21 बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो दो बन सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स नंबर बन सकते हैं। फिर हम कहेंगे 1 1 1 से कितने नए नंबर बन सकते हैं, सर 1 1 कहीं भी इधर उधर करेंगे तो ये तो एक ही प्रकार से होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम पूछ देंगे 1 1 2 से कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 1 और 1 2 से कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 1 2 से तो सोचेंगे रुकेंगे फिर देखेंगे कैसे बना सकते हैं, तो इसमें टाइम लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछते हैं मान लो क्या, अगर ठीक उसी प्रकार आपसे पूछते हैं 1 1 1 2 से कितने नए नंबर बना सकते हैं, 1 1
टू से कितने नए नंबर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर था पाँच, अगर पाँच कॉइन्स है तो तीन पर हेड होने चाहिए, तीन पर हेड और दो पर टेल होने चाहिए, तो इस ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखिए इसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, कोई परम्यूटेशन कम्बिनेशन का शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे हम। देखिए यहाँ पर, यहाँ नंबर कितने हैं, वन और वन दो नंबर हैं, तो दो नंबर हैं तो हम यही क्या कर रहे हैं, दो फैक्टोरियल कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही जैसे नंबर है, वन है वन है, सेम नंबर है तो डिवाइडेड बाई करेंगे, अगर दो बार सेम नंबर आया तो टू फैक्टोरियल डिवाइड। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो घटते हुए क्रम तक जाएंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे वन तक जाएंगे, टू इंटू वन टू हो गया, डिवाइडेड बाई भी टू इंटू वन टू हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होने के बाद बचा कितना, वन, आपका आंसर आए थे वन। फिर ये देखो कि ये दो नंबर है, वन एंड वो तो दो नंबर है, तो सिंपली करते हैं टू फैक्टोरियल करते हैं, लेकिन डिवाइड यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है, तो टू इंटू वन कितने हो गए आपके, टू इंटू वन कितना हो गया, टू हो गया। अगर तीन तीन नंबर है तो वन कितने नंबर है यहाँ पर, वन टू और वन कितने हैं, थ्री नंबर, तो थ्री फैक्टोरियल करेंगे, लेकिन तीनों एक ही जैसे नंबर है तो डिवाइडेड तीन एक जैसे नंबर, इसलिए थ्री फैक्टोरियल डिवाइड किए, तो ये कितना हो गया आपका, वन हो गया। लेकिन यहाँ कितने नंबर है, वन टू थ्री, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, वन टू थ्री हो गया, थ्री फैक्टोरियल तो लिखेंगे, लेकिन दो नंबर एक जैसे हैं, ये वन और वन एक जैसे हैं, तो यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे टू फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करके देख लो, थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन हो गया, तो ये क्या हो गया, थ्री बच गया, ये क्या बचा आपका, थ्री बच गया। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के, अगर आपका क्वाइंस अगर दो बार वन है एक बार टू है, तो इससे कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, तो इससे कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, इससे कितने नए नंबर बन सकते हैं, तीन नंबर बन सकते हैं। तो आप देख लिए, अब इसी एप्लीकेशन का यूज यहाँ भी कर लेते हैं। देखो यहाँ करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ इसी एप्लीकेशन का यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ कितने नंबर है, देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर नंबर है, तो फोर फैक्टोरियल वर्ड यहाँ लिखेंगे, और तीन नंबर एक ही जैसे हैं तो डिवाइडेड बाय भी करेंगे क्या, थ्री फैक्टोरियल कर देंगे, तो फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल सेम है, ऊपर थ्री फैक्टोरियल नीचे सेम है, तो थ्री टू वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये फोर आ गया। तो ये वन 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 टू से कितने डिफरेंट नए नंबर बन सकते हैं, तो कितने डिफरेंट नए नंबर बन सकते हैं, तो ओनली कितने, फोर नए नंबर बन सकते हैं। अब इससे ठीक है, फटाफट आप बना लीजिएगा। अब देखो ना, यहाँ चार नंबर है, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ फोर लिख देंगे, फोर फैक्टोरियल, और दो बार वन है और दो बार टू है, तो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू क्या कर देंगे, टू फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, फोर इंटू थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई एक टू फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया, फिर ये टू है तो टू इंटू वन टू, टू इंटू टू कितने हो गए, टू बचा कितना आपका, तो इसको सॉल्व करने के बाद टू इंटू थ्री बच गया, ये क्या हो गया, सिक्स। तो छः डिफरेंट वन 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 टू वन वन टू टू से छः नए नंबर बनाए जा सकते हैं। अब इससे कितने बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन हो जाएगा कि तीन पर हेड होने चाहिए और दो पर टेल होने चाहिए, तो तीन पर हेड और दो पर टेल मतलब कि ये इसी कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो वन टू थ्री फोर फाइव टोटल कितने हैं, फाइव, तो फाइव फैक्टोरियल कर देंगे और डिवाइडेड बाई ये तीन बार वन एक जैसा है, दो बार दो एक जैसा है, तो डिवाइडेड क्या करेंगे, थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, क्यों रहने देते हैं, क्योंकि नीचे भी थ्री फैक्टोरियल है, दोनों क्या होगा, कैंसिल, और टू इंटू वन तो यहाँ टू, ये टू से कट गया, तो बचा कितना, बचा आपका कितना, टू इंटू फोर बच गए, बचे कितने, फाइव इंटू टू बच गए, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या हो जा रहा है, टेन हो जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया, आप देख लिए कि रिलेट कर दिए हम हेड एंड टेल, हेड के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, हेड के लिए आपका वन की यूज़ कर लिए थे, टेल के लिए हम टू यूज़ कर लिए थे। अब कहता है, अब देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे थे, जस्ट अभी क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे कि अगर पांच क्वाइंस है, देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमने चर्चा किया कि पांच क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं तो तीन पर हेड आने चाहिए और दो पर टेल आने चाहिए, इसकी क्या संभावना है। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा यही एक यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइव क्वाइंस है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट नीचे हो गया, टी एन ई क्या हो गया, नीचे हो गया, टी एन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, फाइव, यानी ये कितने हो गए, थर्टी टू। एक्सपेक्टेड निकालना हो तो तीन पर हेड और दो पर टेल, टोटल मिलकर ये कितने हो गए, फाइव फैक्टोरियल।
डिवाइडेड बाय 3 पर हेड एंड 3 फैक्टोरियल, 2 पर 2 बार टेलर 2 फैक्टोरियल, इसको अभी जस्ट सॉल्व किए थे, फिर से कर देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी है 3 फैक्टोरियल, नीचे भी है, कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, यहाँ पर सॉल्व किए थे 2, 5 इंटू 2 कितने हो गए 10, ये 10 क्या निकला, जो हम चाह रहे थे वो निकल गया, एक्सपेक्टेड नंबर इवन तो 10/32, लेकिन इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में 2 कॉमन है, 5 बाई कितने हो गया 16, तो आपका आंसर क्या हो गया 5/16, दिस द राइट आंसर। जरा एक बार फिर से स्टूडेंट ध्यान दो, हमने क्वेश्चन यहाँ का 5 क्वाइंस को एक साथ टॉस करते हैं तो 3 पर हेड और 2 पर टेल होने की क्या संभावना है, तो आपने देखा तो पहले एक्सपेक्टेड निकाल लिया, 5 था तो 5 हो गया, तो आपने देखा कि 5 क्वाइंस को हमने टॉस करने के लिए कहा तो 3 पर हेड होने चाहिए, 2 पर टेल होने चाहिए, इसकी क्या संभावना है, तो उसी स्ट्रक्चर का यूज़ किए, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर इवेंट्स के लिए आपने देखा फटाफट 2^5, क्योंकि 5 क्वाइंस से 32 हो गया, और एक्सपेक्टेड निकालने के लिए सिंपली हमने बताया कि 3 और 2 है तो 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 एक जैसे है तो 3 फैक्टोरियल, डिवाइड 2 फैक्टोरियल, सॉल्व किए तो 10 आ गया, तो 10/32, ये 5/16 क्या हो गया 16, तो आपका आंसर क्या हो गया 5/16, ठीक है। अब देखिए ना, आपके साथ एक और एग्जांपल पर चर्चा करते हुए आगे आपको बतलाना चाह रहा हूँ मैं, देखिए एज पर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लो कि आपको 6 क्वाइंस को एक साथ टॉस कर रहे हैं, 6 क्वाइंस को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो इस पर कहता है 4 हेड कितने पर आने चाहिए 4 पर, और टेल कितने पर होने चाहिए 2 पर, इसकी क्या संभावना है, तो फटाफट नंबर ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल क्या हो जाएगा 2^6, यानी कि कितने हो गए 64, एक्सपेक्टेड में हम निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड निकाल रहे हैं, तो फटाफट बात करते हैं 4 और 2 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू क्या कर देंगे 4 फैक्टोरियल, ऊपर भी है और नीचे भी है, कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3, तो ये कितने हो गए 3 इंटू 5 बच गए, तो 3 इंटू 5 यहाँ पर क्या लिखा जाएंगे 3 इंटू 5 कितने हो गए आपके 15 हो गए, बस इतनी सी बात है। अब देखो ना, दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो 50/64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो गए फटाफट, कितने भी क्वाइंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने देखा कि हमने जस्ट आज आपको प्रोबेबिलिटी को इंटर ही किया है, फिर इसके बाद हम लोग क्वाइंस के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे, नंबर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे चर्चा करेंगे, जैसे मान लो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या चर्चा करेंगे, तो चर्चा करेंगे मान लो और क्वाइंस के 2-4 एग्जाम्पल दे देंगे आपको, उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आपको हम नंबर से बताएंगे, जस्ट आपको नंबर से बता रहा हूँ कि आप देखिएगा, मान लें कि 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 6, 7 है, इससे कितने नए नंबर बना जा सकते हैं, फिर 2 देंगे कि हमेशा इवन नंबर साथ हो, ऑड नंबर साथ हो, इवन नंबर कभी भी साथ नहीं हो, ऑड नंबर कभी भी साथ नहीं हो, ये सिचुएशन कंडीशन बनाएंगे, फिर आगे आपको बताऊंगा कि वर्ड्स हैं तो वर्ड्स में जैसे कि मान लो रिस्पॉन्स है, टेबलेशन टेबल कुछ भी है, जैसे मान लो टेबल है मान लो कि रेलवे है, इससे कितने रेलवे है, इससे कितने नए नंबर बनाया जा, कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें कि वॉवेल हमेशा साथ हो, कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो, नेवर्स कम्स टुगेदर, ये सारे पर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चित रूप से नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को रांची NIBU रांची के नेक्स्ट अपलोडेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को देखना हो, चाहे पार्टनरशिप का देखना हो, एवरेज का देखना हो, टाइम एंड डिस्टेंस का देखना हो, रीजनिंग का अल्फाबेट, कोडिंग रिकॉर्डिंग देखना हो, तो आप यूट्यूब चैनल को NIBU रांची के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, रिकमेंड करें, और आई बटन को यहाँ पर प्रेस करना ना भूलेंगे, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके पास वीडियो का भरमार आता रहे और नए नए टेक्निक्स को आप देखते रहें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना टाइम है, काफ़ी संख्या बढ़ते जा रहे हैं, आप भी सुरक्षित रहें, परिवार के सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, नई बातें करके कनेक्टेड रहेंगे, टू बी कंटिन्यूड, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान दें, इंतजार करें, टू बी कंटिन्यूड रहेंगे, अभी प्रोबेबिलिटी की कंटिन्यूड की करेंगे इन सारी बातों को, और बहुत सारे वीडियोस क्लास का देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें NIBU यूट्यूब के चैनल को, आपको बहुत सारे वीडियो दिखाई देंगे, और इसके वेबसाइट www.nibumpmega.com पर लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑलवेज विजिट करते रहें, और मोबाइल नंबर 933, फिर से एक बार मोबाइल नंबर को आप याद रख लें, यहाँ भी डिस्प्ले कर रहा है लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ, ये बड़ा सिंपल बड़ा अच्छा है, 93347 तो आपको याद ही होगा, और 26 27 8
इस नंबर को आप याद कर लें और नोट कर लें और विजिट करें। नेक्स्ट बैच और न्यू बैच फटाफट चल रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं और हजारों हजारों विद्यार्थी अभी तक ये सफल हो चुके हैं, 25 सालों से लगातार इसमें काम कर रहे हैं सभी टीम मिलके। ओके, धन्यवाद विद्यार्थी, फिर मिलेंगे हम लोग। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स।